हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का। यू मे एनकाउंटर सिचुएशन व्हेन ए ब्लॉक ऑफ कोड नीड टू बी एग्जीक्यूट सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। जब आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रन करने की मैनी नंबर ऑफ टाइम्स रन करने की नीड होती है, इन जनरल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सिक्वेंशियल। जो स्टेटमेंट्स आपकी सिक्वेंस में रन हो, द फर्स्ट स्टेटमेंट इन ए फंक्शन, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, देन सेकेंड एंड सो ऑन अप टू जितनी भी आपको दे रखी है, तब तक वो स्टेटमेंट्स क्या होती रहे बेटा, एग्जीक्यूट होती रहे वन बाय वन। वही हमारा क्या होता है, एक लूप क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है जो हमें अलाउ करवाती है एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मल्टीपल टाइम्स। लूपिंग एक टाइप की स्टेटमेंट्स है जो एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करवाती है एक स्टेटमेंट्स को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स में। इन सी प्रोग्रामिंग वी आर बेसिकली कैरेक्टराइज टू कैटेगरीज ऑफ द लूप। फर्स्ट इज एंट्री कंट्रोल लूप, सेकेंड इज एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, दीज लूप चेक द कंडीशन एट ए टाइम ऑफ एंट्री। यहाँ पर एंट्री के टाइम ही हम चेक करते हैं कि कैसे हमारा लूप चल रहा है। सबसे पहले हम कंडीशन को एंट्री के टाइम पे चेक कर दिया जाएगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है, देन हम जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करवाएंगे, अदरवाइज फॉल्स होने पर वो वहां से एग्जिट हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। सच कंट्रोल लूप एंट्री टाइम पर ही हमारा चेक कंडीशन को, लाइक एंट्री हुई देन हमने कंडीशन चेक करी और उसके बाद ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप पे जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स होते ही एग्जिट हो जाएगा लूप से। नेक्स्ट है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, चेक द कंडीशन एंड एग्जिट, एंड इफ गिवन कंडीशन फॉर एग्जिट इवेल्युएट टू ट्रू, द कंट्रोल विल एग्जिट फ्रॉम द लूप ऑफ बॉडी एज कंट्रोल विल एंटर अगेन इन टू द लूप। यहाँ पर क्या है, फर्स्टली हम एंटर करते हैं बॉडी ऑफ लूप में, देन हम कंडीशन को चेक करते हैं। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हुई, देन हम अगेन बॉडी ऑफ लूप पे जाते हैं अप टू जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, हम बाहर आ जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है, पहले ही यहाँ पर कंडीशन ना चेक होकर पहले एक बार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट किया जाता है, बाद में कंडीशन चेक की जाती है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इस टाइप्स की कंडीशन हमारी कौन सी होती है, एग्जिट कंट्रोल लूप। बेसिकली सी में हमारे पास थ्री टाइप्स की लूपिंग है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। फॉर लूप क्या होता है, दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इन द सी प्रोग्रामिंग। दिस इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप इसमें क्या होता था, हम सबसे पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते थे, उससे पहले हम कंडीशन चेक करते थे कि हम पहले कंडीशन चेक करेंगे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले, अगर कंडीशन ट्रू है तब हम स्टेटमेंट्स पे आएंगे। देखिए सबसे पहले फॉर लूप में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम विद इन अ सिंगल स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज, देन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, इन तीनों को हम एक ही स्टेटमेंट में भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पर दिया इनिशियलाइज करवाना, लाइक आई इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज, देन चेक द कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10। कब तक आपकी लूपिंग चलेगी, जैसे आपकी वैल्यू आई इक्वल टू जीरो है, जीरो से लेके 10 तक, जब तक आपका 10 आता है। और इंक्रीमेंट क्या होगा, वन बाय वन होगा, एक बार में हर बार में एक एक का इंक्रीमेंट होगा। तो ये हमारी कंडीशन दी हुई है। यहाँ लूप में देखिए कि किस तरह हम काम करवा रहे हैं। लाइक मुझे यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ था, इसमें मुझे क्या करवाना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, तीन वेरिएबल लिए, नम, काउंट एंड सम। सम की वैल्यू जीरो पुट करवाई, एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर का नंबर एंटर करवाना है। देन लूप चलाए, काउंट इक्वल टू वन, काउंट की वैल्यू क्या है, वन है। काउंट लेस देन इक्वल टू नम, काउंट कब तक चलेगा, जो भी आप नम में डालेंगे लाइक 5, 6, 7, तो क्या होगा, 1, 2, यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है, 3, 4, 5, 6, और हर बार में सम की वैल्यू क्या थी, 0। लाइक फर्स्ट टाइम में काउंट की वैल्यू क्या है, 1, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सेकंड टाइम इंक्रीमेंट हुआ, सम की वैल्यू हो गई 2, तो 1 प्लस 2, सम की वैल्यू क्या है, 3। देन
थ्री एंटर करवाया तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स। देन हमने फोर एंटर करवाया टेन, एंड फाइव एंटर कराया फिफ्टीन। जो भी वैल्यू आपकी ऑलरेडी सम में है उसमें हम नंबर्स को एड अप करते जाएंगे। हमने लाइक फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर का एड अप करवा रहे हैं, तो वन से लूप स्टार्ट करवाया है, तो हर बार कितनी बार हमारा लूप चलेगा, वन टू फाइव। और हर बार क्या हो रहा है, एक एक को इंक्रीमेंट कर कर सम में वैल्यू को पुट किया जा रहा है, और देन लास्ट में सम को प्रिंट करवाया जा रहा है। अब फोर कंडीशन क्या करवा रही है, यहीं पर वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना, देन यहीं पर कंडीशन चेक करना कि आपकी ये कंडीशन लेस देन इक्वल टू नम है या नहीं है, और यहीं पर हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को स्पॉट करवाते। अब फोर कंडीशंस को हम मल्टीपल वे से दे सकते हैं, लाइक अगर आपने फोर कंडीशन को इनिशियलाइज करवाना है, लाइक आपने नम को अलग इनिशियलाइज करवाना है और जो कंडीशन है और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है उसको एक साथ देना है, तो फोर लूप में जब भी कोई भी फोर लूप कंडीशन होगी वहां पर टू टाइम्स सेमी कॉलन आएंगे बच्चे। तो आपने चाहे इनिशियलाइज पहले करवा दिए बट कंडीशन देने से पहले एक सेमी कॉलन पुट करेंगे हम, नहीं अगर हम इसको पुट कर नहीं करते तो क्या होगी, हमारे पास कंपाइलेशन एरर रखकर होगी। इसीलिए फोर लूप में हमेशा कभी भी हम इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट देते हैं तो उनके बीच में हमेशा टू टाइम्स हमारा क्या पुट हो रहा है बेटा, सेमी कॉलन पुट हो रहा है। तो हम अगर यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट भी देते हैं, ओनली इनिशियलाइज करवाते हैं, ओनली कंडीशन चेक करवाते हैं या ओनली इंक्रीमेंट देते हैं, तो हमें सेमी कॉलन टू टाइम्स ही पुट करवाना है। लाइक नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, यहाँ नम इक्वल टू 10 सेमी कॉलन, नम लेस देन इक्वल टू 20 सेमी कॉलन, क्या हुआ, इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट नहीं दे रखी। बाकी अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दे रखी, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने यहाँ कंडीशन चेक करवाई है ओनली, ना ही मैंने इनिशियलाइज करवाया, इनिशियलाइज मैंने पहले करवा दिया, एन की वैल्यू 10 और स्टेटमेंट मैंने बाद में दी है इंक्रीमेंट की, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर दो सेमी कॉलन पुट करूंगी। तो यहाँ पर फोर लूप में क्या होता है, जब भी ये लूपिंग फोर लूप लगाते हैं तो इसमें टू सेमी कॉलन आते हैं। आप चाहे इसमें एक स्टेटमेंट दें या मल्टीपल स्टेटमेंट दें, आप उसी अकॉर्डिंग इनके सेमी कॉलन को पुट करेंगे, हमेशा टू सेमी कॉलन आएंगे। चाहे आप एक कंडीशन चेक करवा रहे हैं या ओनली इनिशियलाइज करवा रहे हैं या ओनली स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किसी भी टाइप की आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, हमेशा फॉर लूप में इन कंडीशन को यूज करवा कर ही